माय चैनल। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कॉल इन एरियर्स क्या होता है, कॉल इन एडवांस क्या होता है, और साथ ही में हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व करके सीखा था कि उसमें कॉल इन एरियर्स को और कॉल इन एडवांस को हम लोग एज ए जर्नल एंट्री कैसे लिखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? रिलायंस कंपनी इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रिलायंस कंपनी है जो कितना शेयर इशू की है, 10,000, और एक शेयर का दाम कितना है, ₹10। यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किया है और एक शेयर्स का दाम ₹10 है, और जो पैसा रिसीव होगा कंपनी को वो कैसे स्टेजेस में रिसीव होगा, मतलब जो पब्लिक पैसा पे करेगी वो डिफरेंट स्टेजेस में पे करेगी। पहला शेयर एप्लीकेशन जो ₹2 पर ईच शेयर होगा, शेयर अलॉटमेंट ₹2, शेयर फर्स्ट कॉल ₹3, शेयर फाइनल कॉल ₹3। तो मतलब सारे स्टेजेस का हम लोग को यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है कि हम लोग पर शेयर कितना पे करेंगे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा है। मैं इस शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स पेड द इंटायर अमाउंट विथ अलॉटमेंट। तो कह रहा है कि जो 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू की थी उसमें से बहुत सारे लोगों ने शेयर्स खरीदा है, तो यहाँ पे एक बंदा है मैंग नाम का, तो उसने भी शेयर्स खरीदे थे। कितने? उसने 300 शेयर्स खरीदे थे, और उसने क्या किया था, जो उसको पैसा पे करना था सारे स्टेजेस का, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का, तो उसने क्या किया, ये जो जितना भी पैसा बनता उसका फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, उसने सारा इकट्ठे अलॉटमेंट में ही उसने पे कर दिया। मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा उसने सीधा अलॉटमेंट के साथ ही सारा दे दिया, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, उसने पहले ही पे कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, कॉल इन एडवांस का केस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा है, हर्ष ए शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर 200 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। अब कह रहे हैं कि एक और कोई बंदा है जो इस कंपनी का शेयर खरीदा है, उसका नाम है हर्ष, उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, उसने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, तो उसने क्या किया, उसका जो पैसा बनता फाइनल कॉल पे उसने वो पैसा पे नहीं किया, तो ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा, ये कॉल इन एरियर्स का। मयंक ने पहले ही पैसा पे कर दिया सारा अलॉटमेंट में ही, और जो हर्ष है उसने फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया, तो ये हमारा कॉल इन एडवांस हो गया और ये कॉल इन एरियर्स। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक साथ ही देखने को मिल रहा है कॉल इन एरियर्स भी और कॉल इन एडवांस भी। तो जो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या करना है, आगे क्वेश्चन का, पास जर्नल एंट्रीज विथ वर्किंग नोट। मतलब जो भी हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोगों को वर्किंग नोट भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए गाइस ये रहा सॉल्यूशन। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले मैंने वर्किंग नोट बनाया है। तो देखिए वर्किंग नोट में पहले मैंने कंपनी ब्रेकअप बनाया, फिर जो मैंग शेयर होल्डर था उसका ब्रेकअप, फिर जो हर्ष एक शेयर होल्डर था उसका ब्रेकअप मैंने बनाया। देखिए जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का जितना पैसा था और कंपनी ने जितना शेयर इशू किया था, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो देखिए एप्लीकेशन मनी कितना मिलेगा कंपनी को, 20,000, अलॉटमेंट पे 20,000, फर्स्ट कॉल पे 30,000, फाइनल कॉल पे 30,000। तो वैसे ही मैंने मैन का भी बना लिया यहाँ पे और हर्ष का भी बना लिया। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो ये मैंग है उसने 300 शेयर बाय किए हैं और उसका जितना फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा है उसने अलॉटमेंट के हिसाब से पे कर दिया है। मतलब देखिए मैंग का फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे कितना पैसा बन रहा है, फर्स्ट कॉल पे 900 और सेकेंड कॉल पे भी 900। तो इसने क्या किया है, देखिए ये जो 900 फर्स्ट कॉल में देना था वो दे देगा अलॉटमेंट के साथ ही, ये भी जो उसका 900 है ये भी वो अलॉटमेंट के साथ ही दे देगा। मतलब मयंक को अलॉटमेंट में कितना पे करना पड़ेगा,
रुपीज़ 99 1800 और ये 2400। तो मैं उनको इतना पे करना पड़ेगा अलॉटमेंट पे, ठीक है गाइस। तो अब देखिए, अब हम लोग हर्ष का देखेंगे। हर्ष का क्या था कि उसने 200 शेयर्स बाय किए हैं और वो फाइनल कॉल नहीं पे कर पाया। ये हमारा क्या हो गया 900 900, ये हमारा कॉल इन एडवांस हो गया, ठीक है। अब देखिए हर्ष का, हर्ष ने क्या किया था, फाइनल कॉल पे नहीं किया, मतलब इसने ये पैसा नहीं दिया। तो ये हमारा हो गया कॉल इन एरियर्स, ठीक है गाइस। तो ये हमारा हो गया कॉल इन एरियर्स। तो अब देखिए, तो अब कंपनी को अप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे कितना पैसा मिलेगा, तो अब हम लोग देखते हैं। अप्लीकेशन पे इस दोनों ने भी पूरा पैसा दिया था, तो उसको 20,000 ही पूरा पूरा मिलेगा। अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे देखिए, यहाँ पे कुछ हुआ था एक शेयर होल्डर के साथ, उसने क्या किया था, अपना फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा ये अलॉटमेंट के साथ दे दिया था। मतलब जो कंपनी को सिर्फ 20,000 मिलता, उसमें से उसको 1800 और ज़्यादा मिलेगा। मतलब देखिए, तो ये जो 20,000 है उसके साथ साथ कंपनी को अलॉटमेंट पे और 900 प्लस 900, तो इतना ज़्यादा उसको और कंपनी को मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 21,800, ठीक है, कंपनी को इतना पैसा मिलेगा। अब फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे क्या होगा, जो ये हर्ष था उसने तो अपना फर्स्ट कॉल का पैसा दिया था, लेकिन जो ये मयंक है इसने पहले ही 900 रुपया दे दिया अलॉटमेंट के साथ ही। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 900 रुपया कम मिलेगा कंपनी को। तो ये क्या हो जाएगा, ₹29,100, ठीक है। अब देखिए, अब फाइनल कॉल पे हम लोग कैसे पता करें कि अमाउंट कितना मिलने वाला है। तो फाइनल कॉल पे भी 900 रुपया कम मिलेगा कंपनी को, और साथ ही जो हर्ष ने 600 रुपया नहीं दिया था फाइनल कॉल का, वो भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये कितना रुपया हो जाएगा टोटल, तो देखिए 30,000 माइनस 1,500, ये कितना हो जाएगा 28,500। तो कंपनी को ₹28,500 मिलेगा फाइनल कॉल पे टोटल रुपया, ठीक है गाइस। तो कंपनी को कितना कितना रुपया मिला, अप्लीकेशन पे 20,000, अलॉटमेंट पे 21,2800, फर्स्ट कॉल पे 29,100, फाइनल कॉल पे 28,500। तो ये देखिए, ये क्या हो गया, ये जो मिला पहले ये कॉल इन एडवांस है, यहाँ पे भी ये क्या है हमारा कॉल इन एडवांस पहले ही मिल गया। ये कॉल इन एरियर है जो हर्ष ने किया था, और ये भी हमारा कॉल इन एडवांस है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जर्नल एंट्री हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये वर्किंग नोट आप बना सकते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट जब भी आप लोग बनाएगा, तो पहले जर्नल एंट्री का जो भी फॉर्मेट है वो बना लीजिएगा, उसके बाद आप वर्किंग नोट स्टार्ट कीजिएगा। तो जब आपका वर्किंग नोट बन जाएगा, तो आप इधर जर्नल एंट्री आराम से लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे होगी। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री लिख दी है ताकि टाइम कम लगे। तो चलिए मैं वन बाय वन आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। पहला, ये हमारा एप्लीकेशन स्टेज का जर्नल एंट्री, ये है अलॉटमेंट स्टेज का जर्नल एंट्री, ये फर्स्ट कॉल का और ये फाइनल कॉल का। तो देखिए, सबसे पहले अलॉटमेंट स्टेज में क्या होगा, हमें पैसा मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना कंपनी को मिलना था 20,000। तो वो मैंने लिख दिया है, नरेशन में आप लिख सकते हैं कि बींग अप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं बींग
एप्लीकेशन मनी ड्यू। आप आगे ये भी लिख सकते हैं बिंग एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन इतना शेयर्स, जो भी है क्वेश्चंस में, ठीक है। अब देखिए अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में हमारा क्या हुआ था, जो ये मयंक था उसने सारा पैसा अपना फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पे कर दिया था, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉल इन एडवांस। ये तो सेम जैसे ही हम लोग लिखेंगे बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो ये 20,000 था। अब देखिए जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अभी यहाँ पे हम लोग पहले नहीं लिखेंगे, पहले हमारा नीचे लिख लेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना मिलने वाला था 20,000। कॉल इन एडवांस कितना हो गया, मतलब जो मैंने अपने पहले पैसा दे दिया था, तो कॉल इन एडवांस ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है कंपनी के लिए, ठीक है। तो कॉल इन एडवांस 1800 का हुआ था, तो अब टोटल कितना मिला अलॉटमेंट में कंपनी को पैसा, तो टोटल मिल गया 21,800, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कॉल में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू ₹30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, ठीक है। अब जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये जैसे हम लोग लिखते हैं लिख देंगे, तो यहाँ जो कॉलिंग एडवांस हुआ था इसको हम लोग जो एडजस्ट किए हैं वो क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट कॉल होगा वो उस टाइम हमारा ये जो पैसा मिलता तो एज अ एसेट इसको हम लोग अब यहाँ पर ट्रीट करके लिखते हैं। तो कॉल इन एडवांस कितना हो गया, जब हम लोग एडजस्ट किए तो ₹900 फर्स्ट कॉल का मैंग अपना दे दिया था अलॉटमेंट में, तो वो ₹900 हम लोग यहाँ लिख दिए, तो अब हम लोग को कितना मिला बैंक अकाउंट में 29,100, और ये कॉल इन एडवांस जो पहले मिल चुका है ₹900 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना हो गया ₹30,000, तो 30,000 उड़ गया। अब देखिए फाइनल कॉल में, फाइनल कॉल में कॉल इन एरियर्स भी हो रहा है और कॉल इन एडवांस भी हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो मयंक है वो अपना जो फाइनल कॉल का पैसा है वो अलॉटमेंट के साथ पे कर देता है, और जो हर्ष है उसने अपना फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया था, तो ये सेम एज यूजुअल जो हम लोग जर्नल एंट्री लिखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट लिख देंगे, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर्स, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कॉल इन एडवांस जो पहले से पैसा पे कर दिया था मयंक ने उसका हम लोग यहाँ पे कॉल इन एडवांस लिख देंगे, जो हम लोग को 900 मिल गया था एज अ एसेट की तौर पे। अब ये किसका है कॉल इन एरियर्स, ये है जो हर्ष ने किया था कॉल इन एरियर्स ₹600 का, उसका शेयर्स कितना था 200, तो लास्ट फाइनल कॉल पे हम लोग को कितना पे करना था ₹3 पर शेयर्स, तो 3 × 200 600, तो कॉल इन एरियर्स कितना हो गया 600। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा कॉल इन एरियर्स क्या है, ये भी एज अ एसेट जो है, ठीक है। तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ₹30,000, तो ये क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, तो हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, तो ये जो क्वेश्चंस था इसमें कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस साथ में दिया हुआ था, तो हम लोगों ने आज एक नया चीज़ सीखा कि कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस जब एक ही क्वेश्चन में रहे तो उसको हम लोग कैसे जर्नल एंट्री में लिखते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड वीडियोज़। थैंक यू गाइज़।